विच ट्रैप द ब्रदर सिस्टर। कहानी की शुरुआत दो छोटे भाई बहनों से होती है जिनके पास घर और माँ बाप नहीं थे। वे सड़कों पर कूड़ा उठाकर जो कुछ पैसे कमाते उसी से अपना जीवन निर्वाह करते। दोनों के पास एक छोटा सा लकड़ी का घर था। खाने की तलाश में पूरा दिन भटकते रहते थे। वे बाजार में हाथों से बनाई हुई कुछ चीजें बेचते, लोगों को अपने कर्तव्य दिखाते और मनोरंजन करते। लोगों को उन पे दया आ जाती और बदले में कुछ पैसे दे दिया करते थे। कभी उनके पास खाना होता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। जब कोई खाना खाकर आसपास छोड़ जाता वे तुरंत उसे उठा लेते और अपनी भूख प्यास मिटाते। इसके बावजूद दोनों में अनोखा प्यार था। एक दूसरे के लिए समर्पण और त्याग की भावना थी। वे एक साथ रहते थे पर एक दिन एक शैतानी चुड़ैल ने उसकी छोटी बहन को अपने साथ ले लिया और उसे दूर अपने साथ उड़ाकर एक भयानक से बड़े घर में ले आई। वह बहुत ही डरावना था। उसे कुछ भी समझ न आया कि कैसे यहाँ से निकला जाए। वह अपने भाई को याद कर रही थी। अगले दिन जब भाई उठा तो बहन को ना पाकर रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर आसमान से उतरकर एक नीली परी आई और रोने का कारण पूछा। लड़के ने सारी बातें बेहिचक परी को बता दी। परी ने उससे वादा किया, जल्द ही तुम्हारी प्यारी बहन तुम्हारे पास होगी, और चारों तरफ उसकी तलाश को शुरू किया। परी की नज़र एक बहुत ही डरावने से घर पे गई जहाँ पे उसने देखा कि वह चुड़ैल कुछ बच्चों को बंदी बनाकर लेकर आई थी, मासूम बच्चे। उन्हें बचाने के लिए परी ने उसका सामना किया। इतने में ही उस समझदार लड़के ने एक चाकू से उस बुरी चुड़ैल के गर्दन पे वार किया जिससे उसका अंत हुआ और वह गायब हो गई। अच्छी परी का धन्यवाद सभी बच्चों ने किया फूल देकर। उसके बाद अच्छी परी ने सारे बच्चों को उनके घर पहुंचा दिया। उनके माता पिता उन्हें कितने वर्षों से खोज रहे थे। छोटी बहन ने भी परी का धन्यवाद किया फूल देकर, और उस रात वो दोनों बड़े ही चैन और सुकून से सोए क्योंकि उनके पास एक सुंदर सा घर था और कुछ बकरियां और गायें जिनका दूध निकालकर वह बाजार में बेच सकते थे। अब उन्हें खाने की तलाश के लिए कूड़े से खाना नहीं उठाना पड़ता था बल्कि वह पैसे देखकर कुछ भी खरीद सकते थे। और ये सब संभव हुआ नीली परी और उनकी दयालुता के कारण। इतने सारे छोटे मासूम बच्चों के चेहरे पे मुस्कान और दोनों भाई बहन के जीवन में इतनी सारी खुशी संभव हुई परी के कारण। परी ने उन्हें जीवन निर्वाह के लिए सारी चीज़ें दी और दोनों छोटे भाई बहन अब मिलजुल कर आपस में प्यार से रहते थे। यह कहानी हमें आत्मसमर्पण और एकजुट रहकर साथ लड़ने की सीख देती है। शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर किड्स लर्निंग इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरीज़।